ड्रीम को। अगर आपका अपना ड्रीम नहीं है तो नेचुरली किसी और के ड्रीम को आप फुलफिल करेंगे। ड्रीम के साथ क्या डेट लगा है कि ये मैं कब तक पूरा करूंगा? अगर ड्रीम के साथ डेट लग जाए तो वो गोल बन जाता है। अगर आपका डेडिकेटेड ड्रीम होगा, सही मायने में ड्रीम होगा, तो आप अगर इधर उधर भटक भी जाएंगे तो आपको फिर से वो सही रास्ते पे लेके आएगा। नमस्कार, सोच ऑफ द डे, थॉट्स ऑफ द डे। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम्स के बारे में। आप किसके ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं? आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं या किसी और के ड्रीम को? अगर आपका अपना ड्रीम नहीं है तो नेचुरली किसी और के ड्रीम को आप फुलफिल करेंगे। कहने का मतलब क्या है? ये दुनिया चलता है ड्रीम से। आज जहां हम बैठे हैं, किसी का ये ड्रीम होगा ये घर बनाने का, किसी का ड्रीम होगा ये ऑफिस बनाने का, किसी का ड्रीम होगा ये सारी चीज़ें बनाने का। उस ड्रीम को हम फुलफिल कर रहे हैं। अगर हमारा ड्रीम नहीं हुआ तो नेचुरली हम किसी के ड्रीम को फुलफिल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, आप अपने बारे में कभी सोचा है कि आपका ड्रीम क्या है? आप क्या अपने ड्रीम के बारे में सोच करके उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं? सिर्फ ड्रीम है और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो वो एक फैंटेसी है। अगर आपके पास ड्रीम है और उस ड्रीम को करने के लिए अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो सही मायने में आपकी ड्रीम है, नहीं तो वो ड्रीम नहीं कहलाएगा। और एक और इससे बड़ी बात, ड्रीम के साथ क्या डेट लगा है कि ये मैं कब तक पूरा करूँगा? अगर ड्रीम के साथ डेट लग जाए तो वो गोल बन जाता है। और जब गोल हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उसे कन्वर्ट करते हैं अचीव करने के लिए, एक के बाद एक कदम हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा ड्रीम पूरा होता है। कहते हैं कि 1000 मील की दूरी हम जो तय करते हैं वो पहला स्टेप उठाने से ही होता है। तो क्या हम अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं? बचपन में हम लोग बहुत ड्रीम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा ड्रीम छोटा हो जाता है। और एक बात तो ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ड्रीम ही नहीं रहता है। कहा गया है कि अगर किसी के पास ड्रीम नहीं है तो वो समझ लीजिए कि जिंदा लाश है। क्या कहीं हम और आप ऐसे ही ज़िंदगी तो नहीं व्यतीत कर रहे हैं? कई लोग कहेंगे ड्रीम तो हमने बहुत देखे थे लेकिन पूरे नहीं हुए। कभी आपने सोचा कि वो पूरा क्यों नहीं हुआ? एक्चुअल में किसी और की गलती नहीं है अगर पूरा नहीं हुआ है। गलती किसकी है? हमारी। क्योंकि अगर आपने ड्रीम लिया तो उसके लिए एक्शन, उसके लिए बार बार अपने आप को चेक करना कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। पूरी दुनिया में दो ही ऐसी जीव है जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सोते सोते भी सोच सकता है और कर सकता है। कौन कौन? एक इंसान और दूसरा कबूतर। कमाल की बात है। इसे ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा कहा गया है और देखा गया है कि जो आपका ड्रीम है वो 24 आवर आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका काम होना चाहिए। इसी चीज़ पे आधारित एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो हवाई जहाज़ में यूज़ होती है। क्या होता है, जब हवाई जहाज़ चलती है तो जो दूर की जर्नी होती है 18 घंटे 20 घंटे की, तो वहाँ पे ऑटो पायलट की सिस्टम होती है। वो ऑटो पायलट क्या होता है, वहाँ पे एक डेस्टिनेशन सेट कर दिया जाता है और हो सकता है पायलट थोड़ी देर के लिए सो भी जाए तब भी वो चलता रहता है। अगर जैसे थोड़ा सा डेविएट होता है जहाज़ तो वो जो उसका मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको सही पटरी पर लेके आता है। अगर आप ड्रीम आपका ड्रीम है और आपने उस ड्रीम को लिखा हुआ है और वो उसके पूरा करने के लिए सारी चीज़ें करने को आप तैयार हैं, तो जिस तरीके से वो हवाई जहाज़ अगर अपने जगह से अपने रास्ते से भटकता है तो टेक्नोलॉजी उसको फिर से पटरी पे ले आता है, सही जगह पे लेके आ जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका डेडिकेटेड ड्रीम होगा, सही मायने में ड्रीम होगा, तो आप अगर इधर उधर भटक भी जाएंगे तो आपको फिर से वो सही रास्ते पर लेके आएगा और आप अपना ड्रीम पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब, या तो आप अपना ड्रीम पूरा कीजिए या किसी के ड्रीम पूरा करने के लिए अपना ज़िंदगी लगाइए। अब आप देखना यह है कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू।